नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार की रात 35 आईपीएस अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए हैं इसमें 14 स्पेशल डीजी, एडीजी और आईजी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं तो वहीं 21 एसपी रैंक के अधिकारियों को भी इधर से उधर किया गया है इसी कड़ी में रीवा रेंज के आई उमेश जोगा को रीवा से हटाकर जबलपुर आई बनाया गया है तो वहीं उनकी जगह बालाघाट में पदस्थ ए के.पी. वेंकटेश्वर राव को रीवा जोन का आईजी बनाकर भेजा गया है जबकि रीवा जिले में लगातार बढ़ती घटनाओं के चलते राकेश सिंह को हटाते हुए नवनीत भसीन को नए एसपी की बागडोर दी गई है बता दें के रीवा जिले में शहर से लेकर गांव तक लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही थी जिसके चलते पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को एस पद से हटाते हुए सेनानी तेरहवीं तेरहवीं वाहनी ग्वालियर भेजा गया है जबकि उनकी जगह पर तेज तर्राट आईपीएस अधिकारी नवनीत भसीन को रीवा का पुलिस कप्तान बनाया गया है नवनीत भसीन पीएचक्यू से पहले ग्वालियर एसपी और सीधी एसपी भी रह चुके हैं